हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले कि कोई भी वैल्यू हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे। क्या होता है दोस्तों, अगर मैंने सेट करके रखा तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगा, तो उसको यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है। जब मैं यूज़र को ही पूछता हूँ कि आपका जो वैल्यू है वो मुझे एंटर करके दो, तो उसके लिए अगर मुझे यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए मुझे स्कैनफ का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और स्कैनफ क्या काम कर रहा है ये बताने के लिए उससे पहले मुझे प्रिंटएफ का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो फिर से मैं प्रोग्राम देखता हूँ, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले द एज। किसी पर्सन का एज मुझे एक्सेप्ट करना है, वो वैल्यू मुझे कंप्यूटर में स्टोर करना है और उसी को मुझे शो करते जाना है। तो अगर मुझे किसी पर्सन का वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो मुझे सी का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने एक सी का प्रोग्राम लिखा है। तो इसको हम देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले मैंने void main curly bracket open curly bracket close ये स्टेटमेंट मैंने यूज किया है। रेगुलर आपका सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मुझे किसी पर्सन का एज स्टोर करना है तो उसके लिए एज के अंदर आपका पॉइंट का वैल्यू जाता नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मली सेट किया INT एज। इससे आपका कंप्यूटर में एक जगह क्रिएट हुआ, उसको मैंने नाम दिया एज। एज का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो मुझे यूजर को बताना है कि एज क्या है। तो यूजर को बताने के लिए मैंने सबसे पहले लिखा printf enter your age equal to, इस वजह से मैसेज जाएगा आउटपुट पे enter your age equal to, इस वजह से आउटपुट पे मैसेज गया, यानी कि यूजर को समझ में आ रहा है कि उसको कुछ तो वैल्यू एंटर करना है। तो कुछ तो वैल्यू उसको टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ scanf ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा के बाद &। अगर यूजर ने कुछ वैल्यू दिया तो वो मुझे कहाँ पर स्टोर करना है ये मुझे बताना पड़ेगा। तो यूजर ने अगर कुछ वैल्यू टाइप किया तो वो वैल्यू आपके एज में, जो मैंने एज नाम का ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर वो वैल्यू जाएगा। तो इसलिए मैंने कॉमा के बाद जो &, उसके बाद मैंने एज लिखा है। एज का फॉर्मेट क्या है INT, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने %d लिखा। जब मैं इस वजह से स्कैनफ लिखता हूँ तो यूजर कुछ तो वैल्यू एंटर कर सकता है। तो यूजर ने कुछ तो वैल्यू एंटर किया 5, वो वैल्यू 5 इस स्कैनफ के वजह से एंटर हुआ, तो ये 5 वैल्यू एज के अंदर, यानी कि एज के अंदर आपका 5 वैल्यू आ गया। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के अंदर हुआ, सच में एज के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हुआ या नहीं हुआ ये मुझे चेक करना है, तो मुझे फिर से शो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ printf का स्टेटमेंट। printf फिर से आपको कुछ मैसेज शो करने के लिए यूज होता है, तो printf के डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा योर एज इक्वल टू, आपको आउटपुट पे आ रहा है योर एज इक्वल टू %d क्या कहता है, कॉमा के बाद क्या है एज, एज के अंदर क्या है 5, तो %d की जगह पे आपको 5 वैल्यू शो होगा। फिर से हमने यूजर से कुछ तो वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया।